दोस्तों आज मैं YouTube पर लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ BGMI गेम YouTube ऐप से लाइव स्ट्रीम कैसे करें। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल हम लोग देखने वाला हूँ कैसे आप YouTube ऐप से BGMI गेम अपने YouTube चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते देखते हैं अपने YouTube चैनल पे कैसे अपने YouTube ऐप से ही डायरेक्टली अपने एंड्रॉइड मोबाइल से BGMI गेम को कैसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटरनेट को ऑन कर चुका हूँ, उसके साथ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर YouTube ऐप को ओपन करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग BGMI गेम को ओपन करेंगे। गाइस इसके पहले हम लोगों काम करना है अपना YouTube चैनल सबसे पहले यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद को सिंपली बैक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे आपको प्लस वाला आइकन दिखेगा, प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ही आपको मिल जाता है गो लाइव का ऑप्शन, गो लाइव में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर गो लाइव में क्लिक कर देते हो तो गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर जो भी कैमरा है कैमरा ऐप यहाँ पर घुमा दीजिए, आप कैमरा भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर कैमरा को लाइव नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर अपना मोबाइल का जो भी स्क्रीन है वो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। तो गाइस इसके लिए आपको यहाँ पर एक काम करना है, वो ये है कि आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन कास्ट, स्क्रीन कास्ट जो ऑप्शन है इसकी ऑप्शन को आपको सिंपली इनेबल करना है। याद रखना दोस्तों सिंपली आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे अपने स्क्रीन कास्ट ऑप्शन को इनेबल कर देते हो इसके नीचे आपको एड गेम टाइटल, कौन सा गेम आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गाइस इसके बाद आपको एड गेम टाइटल में आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको BGMI गेम लिख लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे BGMI तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बैटर ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस इसी गेम को हम लोग यहाँ पर दे दूंगा। इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो लिख सकते हो, वैसे भी दोस्तों लिखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको टाइटल में लिखना है BGMI गेम लाइव स्ट्रीम, आपका जो भी चैनल का नाम है या तो आपका जो भी नाम है, नाम देके आप यहाँ पर टाइटल आप लिख दीजिए। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर फटाफट टाइटल दे देता हूँ। तो गाइस एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया हूँ BGMI गेम लाइव गेम प्ले यूट्यूब पर स्टार्ट गुरु। गाइस यहाँ पर देखिए दोस्तों टाइटल लिखने का भी एक स्टाइलिश है, वो क्या है यहाँ पर देखिए जो भी अक्षर है मैंने यहाँ पर सामने के बड़ा अक्षर दिया हूँ और लाइव में भी देखिए बड़ा अक्षर दिया हूँ, गेम प्ले बड़ा अक्षर दिया हूँ, यूट्यूब पर स्टार्ट गुरु बड़ा अक्षर दिया, सामने बड़ा अक्षर दिया हो और लास्ट में यहाँ पर छोटा अक्षर दिया हो। तो गाइस टाइटल लिखने का ये भी एक स्टाइल होता है, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो गाइस ऐसे में आपकी जो टाइटल है और भी अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद नीचे दोस्तों आपको मिल जाता है पब्लिक का ऑप्शन, पब्लिक आप यहाँ पर कर देना दोस्तों। पब्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑडियंस, जो भी आपको ऑडियंस है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो अपने कॉन्टेंट के हिसाब से। आप यहाँ पर ऑडियंस है और मूड फॉर किड्स, इसको भी अपने कॉन्टेंट के हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर नो पे सिलेक्ट किया हो और यहाँ पर भी मैंने नो पे सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको बैक कर देना है और बैक करने के बाद नीचे आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो अगर आपको लाइव स्ट्रीम थोड़ा रैंक अगर आपको करना है यूट्यूब पर तो इसलिए आपको गेम के बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर जो भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा आपको यहाँ पर डिटेल्स लिखना है कि हेलो दोस्तों इस शाम के टाइम पे मैं यहाँ पर BGMI गेम में लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पेटीएम नंबर वगैरह भी देता है, सोशल नेटवर्क का भी लिंक दिया जाता है। तो गाइस आप चाहे तो यहाँ पर आप दे सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं ऐसे बैक कर देता हूँ। गाइस बैक करने के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पर सभी काम हो चुका है। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर चाहे तो लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको मैं और कुछ सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। आप अगर चाहते हो कि इसी लाइव स्ट्रीम को मैं एक टाइम होगा उसी टाइम पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा तो मैं शेड्यूल करना चाहूंगा, तो वैसे भी दोस्तों लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करने में आपको ही उसी लाइव स्ट्रीम उसी टाइम पे आपको आ जाना है, उसी टाइम पे आपको लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करना है। तो गाइस इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर टाप हो जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर शेड्यूल का भी ऑप्शन है, शेड्यूल का ऑप्शन आप इनेबल करके आप यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हो कि हमारा जो लाइव स्ट्रीम उसी टाइम पे ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, तो उसी टाइम पे आपको फिर से आपको लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने शेड्यूल में कर दिया लेकिन लाइव स्ट्रीम स्टार्ट नहीं करता, ऐसा नहीं करना है। तो आप चाहे तो हमारा शेड्यूल का ऑप्शन है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर ऑफ करूंगा, अभी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर एडवांस सेटिंग में देख लेता हूँ गाइस, यहाँ पर जो चैट है चैट को मैंने अलाउ करके रखा हूँ। इसके बाद बैक कर देता हूँ। अभी दोस्तों फाइनली हम लोग काम होता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करूंगा दोस्तों, और गाइस नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते ही दोस्तों हम लोग को यहाँ पर थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी यहाँ पर लाइव गेम प्ले करने वाला हो उसी लाइव गेम प्ले में हम लोग को यहाँ पर थंबनेल लगाना है। थंबनेल दोस्तों हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जो पेन वाला आइकन देख रहा हूँ सिर्फ मिल आप लोगों को पेन वाला आइकन में क्लिक करना है। पेन वाला आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड थंबनेल पे क्लिक कर देना है। और जैसे अपलोड थंबनेल पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी थंबनेल आपको यहाँ पर अपने BGMI गेम के लिए अपने बना के रखा हो वही जो थंबनेल आपको सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिलहाल दोस्तों मैं इसी थंबनेल को यहाँ पर अपलोड दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो BGMI का ही यहाँ पर मैंने थंबनेल को लगा देता हूँ यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर आप चाहे तो क्रॉपिंग भी कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर जो क्रॉपिंग करके इस सीन को रखना चाहता हूँ थंबनेल के ऊपर। उसके बाद ऊपर में सेव में क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पर सेव में क्लिक कर देंगे थंबनेल यहाँ पर लग जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर गेट इट में हम लोग को क्लिक करना है, स्टार्ट में हम लोग को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करूंगा दोस्तों कि आप देख सकते हो यहाँ पर अपना जो कैमरा
फेस कैम के साथ यहाँ पर लाइव स्ट्रीम आप चाहे तो कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर कैमरा को ऑफ करूंगा, यहाँ पर टच करके कैमरा यहाँ पर ऑफ हो चुका है। और अभी दोस्तों हम लोग को गेम को टच कर देना है, BGMI गेम हमने टच कर दिया। और यहाँ पर जो मोबाइल है यहाँ पर हम लोग को रोटेट कर लेना है। उसके साथ यहाँ पर जो भी आइकॉन है ये देखो दोस्तों काफी बड़ा आइकॉन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, अपना चैनल का जो आइकॉन है लोगो है, तो इसलिए इसी लोगो को छोटा करने के लिए यहाँ पर जो ऊपर में सेटिंग है, सेटिंग में हम लोग को टच करना है, इसको सिंपली छोटा कर देना है। जैसे आप छोटा करेंगे अपने हिसाब से आप छोटा कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। और गाइस इसको ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पर एरो वाला बटन पर हम लोग टच करेंगे। दोस्तों अभी भी हमारा लाइव स्ट्रीम अपना यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट नहीं हुआ है, और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि अपना यूट्यूब चैनल पे लाइव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जैसे यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाएगा, गेम रेडी हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर गेम जो कि यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, जैसे यहाँ पर लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस अभी हम लोग को यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर देना है। इससे पहले अगर आप चाहते हो कि इसी जो ऑप्शन है यहाँ पर हटाना है तो यहाँ पर आपको लोगो में टच करना है, ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर से आपको वही ऑप्शन आपको लाना है, तो यहाँ पर लोगो में टच करेंगे वही जो सेटिंग जो भी गोल लाइव का ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस फाइनली यहाँ पर BGMI गेम ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों हम लोग को लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल, तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गेम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गेम जैसे रेडी हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना चैनल का जो लोगो है इसी लोगो पे हम लोग टच करूंगा। और यहाँ पर ऊपर में जो गो लाइव का ऑप्शन है, गो लाइव का ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर गेम रेडी हो जाएगा। और दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पर लाइव में टच करेंगे अपना यूट्यूब चैनल पे, लाइव गेम प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल पे जब भी फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम करते हो अपना यूट्यूब चैनल पे आपके 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको सिर्फ आपके जो यूट्यूब चैनल है आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होना चाहिए, तब भी आप काफी आसान से अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और वैसे भी दोस्तों अपना YouTube चैनल एक मोबाइल नंबर से कैसे वेरीफाई करते हैं काफी सिंपल है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। और गाइस 1000 सब्सक्राइबर अपने काफी आसान से आप कंप्लीट भी कर सकते हो, सिर्फ आपको शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो आपको डालना है। आप धीरे 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 आपको देखेंगे बहुत ही आसान से अपने बहुत ही अच्छा अच्छा आपको वीडियो डालना है, आप देखेंगे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा। बाय चांस अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी मैं मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा, तो गाइस उसके लिए भी आपको और एक आपको ट्रिक है जो कि आप इस वीडियो के लास्ट में आपको और एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आप टाट बटे एप्लीकेशन के द्वारा भी आप लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसे अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको 24 घंटे के बाद आप लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो। लाइव स्ट्रीम करने का काफी सारा उपाय है, लेकिन दोस्तों अगर आपके यूट्यूब चैनल पे अगर सब्सक्राइबर ही अगर नहीं है, यूट्यूब पे अपना व्यूअर्स अगर देखने वाला लोग ही अगर नहीं है, तो आप लाइव स्ट्रीम करके भी आप क्या करोगे? तो गाइस इसलिए मैं आपको कहता हूं कम से कम तो 1000 सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए अपना यूट्यूब चैनल पे, तभी तो आप काफी आसान से अपना YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो YouTube ऐप से, और उसके साथ साथ अपना जो भी व्यूअर्स है 1000 सब्सक्राइबर है वो भी तो आपका लाइव स्ट्रीम देखने ही वाले है। अभी दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कि अपना YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अपना यूट्यूब चैनल मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना चैनल का आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, लाइव गेम प्ले हो रहा है। तो गाइस इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे मैं वही जो थंबनेल मैंने यहाँ पर दिया था वही जो थंबनेल है यहाँ पर दिखा रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों वही थंबनेल। अभी मैं इसी वीडियो को प्ले करूँगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो को प्ले किया हूँ, और जैसे मैं वीडियो प्ले किया हूँ तो ओ माय गॉड यहाँ पर डबल साउंड हो जाए। मैं साउंड को ऑफ करता हूँ, साउंड भी काफ़ी अच्छा खासा साउंड आ रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल पे जो भी दिखा रहा है दीवार के यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देखिए दीवार के वहाँ पर है। ठीक है दोस्तों आप समझ सकते हो कि गाइस यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीम हो रहा कर रहा हूँ, और यहाँ पर टोटली लाइव भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं जो भी कर रहा हूँ वहाँ पर भी लाइव हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है जो कि आप इस तरह से लाइव गेम प्ले कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल पे। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। पिक्चर क्वालिटी ऐसा नहीं है कि मोबाइल से मैं कर रहा हूँ कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ही खराब है, ऐसा भी नहीं है। मैं यहाँ पर मोबाइल से कर रहा हूँ तो देखिए तब भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी आ रहा है। तो अपना जो भी चैनल है यहाँ पर देखिए स्टार ग्रुप ब्लॉग बांग्ला, तो गाइस इसी चैनल पे लाइव गेम प्ले हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो गाइस बिल्कुल एक लाइक कीजिएगा। गाइस अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके दोस्तों चलिए दोस्तों अभी देखते हैं फाइनली यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को कैसे स्टॉप करते हैं। लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो गाइस लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करने के लिए सिंपल आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर जो भी अपना लोगो है लोगो पे आपको टच करना है। लोगो में जैसे आप टच करेंगे, और गाइस यहाँ पर देखिए एक बंदा देख रहा है, कितना लोग देख रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो आपका जो मोबाइल स्क्रीन है वो टोटली लाइव होता रहेगा, आपको आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको टोटल लाइव होता रहेगा। ठीक है ना, तो लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए मेरे को मानने के लिए आ रहा है,
और दोस्तों लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर आपको टच करना है लोगों पे, यहाँ पर आपको क्रॉस जो ऑप्शन है क्रॉस में आपको टच करना है और यहाँ पर ओके में क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ओके में क्लिक करेंगे आपका जो लाइव स्ट्रीम है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर लाइव स्ट्रीम स्टॉप हो चुका है। कितना लोग देखा है, कितना लोग नहीं देखा है, टोटल चैट सब कुछ जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। वैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप डन पे क्लिक कर देते हो आपका जो भी गेम प्ले है यहाँ पर पोस्टिंग में चला जाता है और इसके बाद आपको बैक कर देना है। और जैसे आप बैक कर देते हो यहाँ पर गेम से भी आप बाहर आ जाना गाइस। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कर दिया और यहाँ पर भी देखो वीडियो भी यहाँ पर बंद हो चुका है। तो ये जो वीडियो है थोड़ा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा और वैसे भी यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ और यस में क्लिक करूँगा। दोस्तों टोटल मैंने यहाँ पर देखो मोबाइल से जैसे फास्ट में था वैसे मैंने आ चुका हूँ। इस तरह से आप स्टॉप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से काफी आसान से अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई भी करना होता है, उसके साथ साथ आपको 1000 सब्सक्राइबर भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा तो गाइस उसके लिए अलग प्रोसेस भी मैंने दिखाया हूँ, वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कुछ इस तरह का क्राइटेरिया भी है यूट्यूब पर यूट्यूब ऐप से लाइव स्ट्रीम करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लोगों को लाइव स्ट्रीम करने जाते हैं गाइस, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि 1000 सब्सक्राइबर भी चाहिए और मोबाइल नंबर से वेरीफाई भी होना चाहिए। तो गाइस इसके लिए आप किसी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये टोटल वीडियो का जो भी सिस्टम है उनको पता चले। और गाइस इस वीडियो के लास्ट में तो मैंने दो वीडियो सजेस्ट भी करूंगा कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर से वेरीफाई अपना यूट्यूब चैनल का और उसके साथ साथ अगर आप वो 1000 सब्सक्राइबर अगर उनके पास नहीं है तब भी वो लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं फिर भी वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि आप 1000 सब्सक्राइबर कीजिए, क्योंकि कम से कम अगर अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करेंगे तो गाइस 1000 सब्सक्राइबर 1000 फॉलोअर 1000 व्यूअर्स तो होना चाहिए। तो गाइस इसलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही आप लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कीजिए, ऐसे में ही आपको ही सुविधा होगा, आपके ही भला होगा। ओके गाइस थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अगर अच्छा था तो जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।